नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, RSCET एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और वीडियो आपके सामने है। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब इस वीडियो में से आप ऐसा समझिए कम से कम 5 प्रश्न, कोई से भी 5 प्रश्न एग्जाम में मिल सकते हैं, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। तो बिल्कुल अब बिना देर किए हम स्टार्ट कर देते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, प्रश्न नंबर एक आपके सामने मौजूद है, SSO का पूरा नाम क्या है। हो सकता है आपको कुछ प्रश्न इसमें आसान लगे, पर आपको ये आना जरूरी है क्योंकि सबको सभी प्रश्न नहीं आते, इस वजह से ये प्रश्न बनाना जरूरी है। SSO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑफ, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही जवाब है दोस्तों सिंगल साइन ऑन, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। और ऑफ पर मैंने टिक किया है, आंसर इसका सिंगल साइन ऑन ऑप्शन ए रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दो, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है। मतलब एक नागरिक को रोजगार के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो कहाँ पर कर सकता है? ई मित्र पर, रोजगार विभाग की वेबसाइट पर, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब मैं आपको बताऊंगा मित्रों, इसका सही जवाब है ई मित्र से भी कर सकता है, रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकता है, अर्थात ए और बी दोनों इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर तीन देखिए, पैन का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो इनकम टैक्स के संबंध में पैन कार्ड होता है, आपने अपना एक आईडी बनवाते हो आप पैन कार्ड, उस पैन कार्ड में पैन का तात्पर्य क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पैन का जो मतलब है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर, अर्थात हिंदी में अगर हम बात करें तो स्थायी खाता संख्या। चौथा प्रश्न देखिए, पीएनआर का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, पीएनआर, बहुत सारे विद्यार्थियों की रेगुलर कमेंट्स आ रही थी कि सर फुल फॉर्म्स के संबंधित कुछ वीडियो लाओ, कुछ प्रश्न लाओ जो कि महत्वपूर्ण है। ध्यान रखे कि पीएनआर, यात्री के जब आप ट्रेन में टिकट लेकर यात्रा करते हो तो आपके टिकट में एक कुछ संख्याओं का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, इसको हम पीएनआर नंबर कहते हैं। और इस पीएनआर का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, अर्थात यात्री के नाम का रिकॉर्ड। ओके, पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा है, नया पैन आवेदन भरने के लिए कौन सा फॉर्म भरना आवश्यक है। मतलब आप न्यू पैन कार्ड बनवाना चाहते हो, ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्म भरेंगे? दोस्तों, इसका सही जवाब है फॉर्म नंबर 49A, ठीक है। आगे चलते हैं, छठा प्रश्न है, एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आपको बताना है यहाँ पर ओपन सोर्स का तात्पर्य क्या है। ध्यान दो, ओपन सोर्स का तात्पर्य है कि उसमें यूजर अपने अनुसार, अपने काम के अनुसार उसमें कुछ बदलाव कर सकता हो, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मतलब क्या बदलाव कर सकता है, जैसे उसे क्या करना है, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन हटानी है या फिर कोई भी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करनी है, वो अपने अनुसार उसमें चेंजेस कर सकता हो, इसे हम क्या कहते हैं, ओपन सोर्स कहते हैं। तो आपको पता है कि एंड्रॉइड फोन में ऐसा करना संभव है क्योंकि एंड्रॉइड में यूजर अपने अनुसार कोई भी ऐप को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकता है। सातवां प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज की गई सबसे नई विंडो कौन सी है। दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि एमएस वर्ड की, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सबसे नई विंडो कौन सी है, तो आपको जवाब देना है सबसे नई विंडो विंडोज 10 है इन ऑप्शंस में से। अगर ये ऑप्शन नहीं हो, चार ऑप्शन इसमें, इस ऑप्शंस में से एक नया ऑप्शन आए विंडोज 11, तो आपको याद रहे वैसे तो विंडोज 11 सबसे नई विंडो है, पर इन चार ऑप्शंस में केवल विंडोज 10 तक दे रखा है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। आठवां देखिए, जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों, जीपीएस क्या होता है? जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब जो ग्लोब पर आपकी लोकेशन को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, उसे ही ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अर्थात जीपीएस कहा जाता है। नवा प्रश्न देखिए, एंड्रॉइड फोन में एप्स इंस्टॉल करने के लिए कौन से प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपको एंड्रॉइड फोन में एप्स इंस्टॉल करने हैं तो आप कहाँ से करेंगे, यूट्यूब से, गूगल ऐप से, गूगल प्ले स्टोर से, या फिर गूगल क्रोम से। मित्रों, इसका सही जवाब जो है वो है गूगल प्ले स्टोर। आप सबको मालूम है कि अगर हमें कोई भी ऐप इंस्टॉल करनी है तो हम कहाँ जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां से ऐप पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। आगे चलते हैं अपन, दसवां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है।
एमएस वर्ड के अंदर टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन से फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट इफेक्ट है, या फिर उपरोक्षा भी है। इसका सही जवाब है दोस्तों कि टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट है। ओके, मतलब फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट का मीन होता है लिखने का स्टाइल, यानी कि आप किस स्टाइल में उसको लिखना चाहते हैं। 11वां प्रश्न है, एमएस वर्ड में किसी शब्द को सभी पृष्ठों, पृष्ठ ये यहाँ पर पृष्ठ है, सभी पृष्ठों पर दोहराने के लिए यानी रिपीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट पेज में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सभी पेजों पर लिखना है, जैसे ऊपर लिखना है या फिर नीचे लिखना है, तो आप किसका यूज करेंगे दोस्तों, आप करेंगे हेडर और फुटर का। ठीक है, हेडर फुटर क्या करता है, डॉक्यूमेंट में सभी जो पेज है उन पर किसी भी टेक्स्ट को रिपीट करता है, दोहरान करता रहता है। 12वां प्रश्न है, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है। आपको ये बताना है कि व्यू मेन्यू में एक ऑप्शन होता है स्प्लिट, वो स्प्लिट ऑप्शन क्या काम में आता है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि स्प्लिट जो है, स्प्लिट एक वर्ड है इंग्लिश का और इसका हिंदी अर्थ होता है विभाजन। ठीक है ना, विभाजन करना। तो याद रहे कि विभाजन अगर इसका अर्थ है तो ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट विंडो को विभाजित करता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 12वें में ऑप्शन डी, मतलब ये एक विंडो को दो भागों में विभाजित कर देता है, 12वें में ऑप्शन डी। 13वां प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है, यानी एमएस वर्ड 2010 में कौन सा एक डिफॉल्ट व्यू है, प्रिंट लेआउट, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन, या फिर वेब लेआउट। और इसका सही जवाब है दोस्तों वेब, सॉरी प्रिंट लेआउट। ठीक है, जो मैंने टिक किया है, प्रिंट लेआउट एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है। एक बात और ध्यान दें, अगर आप दोस्तों RSCIT की एग्जाम आपके आ गए हैं और आप लाइव क्लासेस नहीं देख रहे हैं, तो आप शाम को डेली 7 बजे जो लाइव क्लास अभी वर्तमान में हो रही है एग्जाम के लिए, उसको रेगुलर देखें और वैकेंसी ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहां से टेस्ट जरूर देकर देखें। ठीक है, आगे चलते हैं 14वें प्रश्न पे, हेडर क्षेत्र दस्तावेज के कौन से मार्जिन में होता है। दोस्तों हेडर डॉक्यूमेंट के टॉप मार्जिन में होता है, इसमें होता है टॉप, यानी एक पेज के ऊपर जो लिखा जाता है ना यहाँ पर, उसको हेडर कहते हैं। तो ये टॉप मार्जिन है, ऊपर वाले मार्जिन में होता है। अगला 15वां देखिए, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है। दोस्तों एक एक्सेल की जो वर्कबुक है वो वर्कशीट और चार्ट दोनों के संयोजन से बनती है, यानी वर्कशीट और चार्ट मिलकर क्या बनते हैं, वर्कबुक बनते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। अगला देखिए 16वां, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों एक कंप्यूटर में यदि एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कहा जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 17वां देखिए, स्टोरेज युक्ति USB का पूरा नाम क्या है। आपको USB का फुल फॉर्म बताना है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, सिंगल बस, और यूनिवर्सल सोशल बस, या फिर यूनिवर्सल सैटेलाइट बस। और इसका सही जवाब है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। आप यूएसबी सभी यूज करते होंगे, बट इसका आपने को फुल फॉर्म मालूम नहीं था, आज मालूम हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस। 18वां देखिए, एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है, मतलब एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ऑप्शन से 8 बिट, 4 बिट, 12 बिट, या फिर 16 बिट। और उसका सही जवाब है 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला है 19वां प्रश्न, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता, मतलब ऑनलाइन पेमेंट्स में आप किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि ऑनलाइन पेमेंट्स में किसका इस्तेमाल नहीं करते, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, इलेक्ट्रॉनिक नगद का, या फिर कैश का। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑनलाइन हम कैश का इस्तेमाल नहीं करते। 20वां प्रश्न है, स्पीकर क्या है, मतलब स्पीकर कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर बग है। और इसका सही जवाब है दोस्तों स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 21वां देखिए, माउस कैसा डिवाइस है, माउस कैसा है, इनपुट है, आउटपुट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों माउस का आप सभी को मालूम है कि माउस तो एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माउस से कंप्यूटर को हम कोई भी आदेश और निर्देश देते हैं ना, तो ये इनपुट करता है। 22वां देखिए, निम्न में से किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सर्च इंजन कौन सा है। और इसका सही जवाब है दोस्तों बिंग, बिंग सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। आगे एक बात और ध्यान दें, वैकेंसी ग्रुप पर जो ऑनलाइन टेस्ट हैं
उनके क्वेश्चंस में बदलाव कर दिया गया है, तो आप सभी टेस्टों को देकर देखें। अगर आप नए हैं, आपने बिल्कुल टेस्ट नहीं दिए हैं, तो आप गूगल में सर्च करेंगे वैकेंसी गुरु RCET टेस्ट, वहां पर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट, वहां से आप सभी टेस्ट देकर देखो और अपनी तैयारी के बारे में पता करो कैसी है। और अगर आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो फ्री में आपको ऐप मिलेगी, वहां से भी आपको फ्री में टेस्ट आप दे सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे जाना, वैकेंसी गुरु ऐप डाउनलोड कर लेना। 23वां है, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है। दोस्तों, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण अपना फुटनोट कहलाता है। क्या कहलाता है? फुटनोट। तो यहां पर अगर आपने सी जवाब दिया तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, ऑनलाइन शॉपिंग पर भुगतान का माध्यम होता है, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग पर आप भुगतान कैसे कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा, दूसरा है आपका मोबाइल बैंकिंग से, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, कैश ऑन डिलीवरी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसका सही जवाब है अपना ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब आप ऑनलाइन शॉपिंग में नेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, कैश ऑन डिलीवरी, सभी प्रकार से क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। 25वां है, एक्सेल वर्कशीट में कितनी रो होती है, यानी एक एक्सेल जो होता है उसकी वर्कशीट होती है ना ऐसी, उसमें ऐसी रो कितनी होती है, कितनी लाइनें होती हैं। दोस्तों, एक एक्सेल की वर्कशीट में 1,48,576 रो होती है, याद रहे 1,48,576। 26वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में इफ एरर क्या है। दोस्तों, अगर बात आ जाए इफ की, तो इफ एक लॉजिकल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? लॉजिकल, क्योंकि यह है दो कंडीशन पर काम करता है, यदि ऐसा हुआ तो, या फिर यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये एक लॉजिकल फंक्शन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 27वां प्रश्न देखिए, लुकअप फंक्शन निम्न में से क्या करता है। दोस्तों, लुकअप फंक्शन इस बात का पता लगाता है कि इससे संबंधित रिकॉर्ड और कहां पर है। ठीक है, इससे संबंधित रिकॉर्ड और कहां पर है, यानी कि संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। किसी भी सेल में जो टेक्स्ट या फिर कोई भी जो है डेटा लिखा होता है, उससे संबंधित डेटा कहां पर है, उसका पता लगाने का कार्य करता है। एक्सेल में पाइवट टेबल यूज में ली जाती है, यानी एक्सेल में पाइवट टेबल क्या काम में आती है, आपको ये बताना है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक्सेल में पाइवट टेबल डेटा को संक्षिप्त बनाने के काम में आती है। ठीक है, ऑप्शन दो है डेटा को सपोर्ट करने के लिए, ऑप्शन सी है डेटा को देखने के लिए, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है दोस्तों कि एक्सेल में पाइवट टेबल डेटा को संक्षिप्त यानी छोटा छोटा करके देखने के काम में आती है। अगला, ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन किस में विभाजित होती है, यानी एक प्रेजेंटेशन जो होती है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड होती है, इनको हम स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। तो अगर आपने ऑप्शन ए जवाब दिया 29 में, तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। 30वां देखिए, पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण में, यानी पावर पॉइंट का एक प्रेजेंटेशन है, उसमें डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट क्या है। दोस्तों, डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट कंट्रोल डी होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब आपको कुछ ऑप्शंस बताता हूं कि कंट्रोल एक्स किसकी शॉर्टकट होती है। दोस्तों, कंट्रोल एक्स कट करने की शॉर्टकट है। किसकी है? कट करने की, यानी अगर आपको कट करना है तो आप कंट्रोल एक्स का यूज करेंगे। और दूसरी है क्या है? कंट्रोल एन। कंट्रोल एन किसकी है दोस्तों? कंट्रोल एन है न्यू फाइल की, अगर आपको नई फाइल खोलनी है तो कंट्रोल एन। और कंट्रोल जेड है दोस्तों अंडू करने की, यानी अंतिम प्रक्रिया को पुनः वापस लाने के लिए, जो लास्ट टाइम आपने वर्क किया उसको हटाने के लिए अंडू कर सकते हैं आप, कंट्रोल जेड। अगला प्रश्न है, एमएस पावरपॉइंट 2010 में फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों, एमएस पावरपॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है .pptx होता है। ठीक है, अगला है, मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा अपने मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट एक्सेस के लिए हम हॉटस्पॉट से वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। 33वां देखिए, निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग स्लाइड शो को बंद करने के लिए करते हैं। दोस्तों, स्लाइड शो को अगर एक जगह रोकना है तो एस्केप बटन का इस्तेमाल करेंगे, ESC। 34वां, फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट होती है। दोस्तों, अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाना चाहते हो तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट का। ओके,
35वां है, डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। आपके ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको, डोमेन नेम सिस्टम ये इसका सही आंसर है। अगर आपने यहां तक के 35 में से अगर आपने 20% सही कर दिए हों तो आपकी बेहतर तैयारी हो रही है, रेगुलर इसी तैयारी को मजबूत करते रहिए, और ज्यादा है तो बहुत अच्छा है, और अगर कम है तो आपको फिर कह रहा हूं अगर 20 से कम रह रहे तो आपको रेगुलर तैयारी करनी है और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है वैकेंसी ग्रुप वेबसाइट से और यूट्यूब चैनल से। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।